नेक्स्ट आर्टिकल 134 आर्टिकल अगेन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है रिगार्डिंग क्रिमिनल मैटर्स. अभी सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में अपील्स हैं. चलिए कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड जो इंटरेस्टेड है रीडिंग में. कृष्णम, चलिए कृष्णम रीड करेंगे 134. Appellate to Supreme Court in regard to criminal matters, judgment final or the sustenance appeal in SC. Supreme Court. High Court in appeal reserved the order of reverse. Acquittal of an accused. And sentenced him to death. Okay. High court subordinate court withdrew for trial and sentenced the accused person to death. Okay, अब देखो अब यहाँ पे high court. हाँ, continue. High court certifies under 134 Article 35 under 134 है. अब ये कौन कौन सी क्रिमिनल केसेस में हम कैसे कैसे अपील कर सकते हैं? बहुत ही क्लियर ग्राउंड दिए गए हैं इसमें. अब कोई भी या तो जजमेंट आया है, फाइनल ऑर्डर है, या कोई सेंटेंस है. सेंटेंस मीन्स कोई सजा दी गई है. तो ऐसे केसेस में कैसे अपील हो सकती है? तो फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है हाई कोर्ट ने? क्या किया है? सपोज हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से कोई केस हाई कोर्ट के पास आया अपील में, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि वो जो क्रिमिनल था उसके जो एक्विटल के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया. सपोज आज वंश के ऊपर कोई केस था, लोअर कोर्ट ने वंश को फ्री कर दिया. वंश और गजेंद्र के बीच में कोई केस चल रहा था, लोअर कोर्ट ने, सपोज सीजेएम के कोर्ट ने क्या किया, वंश को फ्री कर दिया. गजेंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तो हाईकोर्ट में जाऊंगा. हाईकोर्ट में गए, वहां पे वंश को क्या दे दिया उन्होंने, लटका दो. वैसे भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, तो अब ऐसे में क्या किया, अभी एकदम गलत हो गया. लोअर कोर्ट ने ऐसे कैसे उसको फ्री कर दिया और हाई कोर्ट ने कैसे डेथ सेंटेंस दे दिया? तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना बहुत सा. दो कोर्ट्स हैं, दोनों एकदम रिवर्स कैसे डिसीजन दे सकते हैं? तो ऐसे केसेस में सीधे क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी. सेकेंड कैटेगरी क्या किया है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके किसी केस को अपने पास मंगवा लिया. नीति और साहिल में कोई केस पेंडिंग चल रहा है सीजेएम की कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया और साहिल को क्या दे दिया, दे दो इनको भी लड्डू दे दो. ठीक है, केस को अपने पास मंगवा लिया और साहिल को दे दी पनिशमेंट. तो अब ऐसे केसेस में भी डायरेक्ट अपील हो जाएगी, ऐसे कैसे पेंडिंग केस को मंगवा लिया और डेथ सेंटेंस दे दिया. या फिर थर्ड कंडीशन वही आर्टिकल 134A में क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने खुद से इशू कर दिया सर्टिफिकेट कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिसीजन से. तो ये तीन ऐसी कंडीशंस हैं इन क्रिमिनल केसेस की डायरेक्ट अपील हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ज्यादा पचड़े में पड़ना नहीं पड़ेगा. ओके, चलिए अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? तोमर आप एक्सप्लेन करोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई? चलिए बताइए क्या है 134 में. यस मैम, यहाँ पे एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है क्रिमिनल मैटर्स में, जैसे कि ये ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जजमेंट फाइनल ऑर्डर सेंटेंस विल बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट वन इज लाइक हाई कोर्ट इज गिविंग सम अनदर ज्यूरिसडिक्शन एंड द सबॉर्डिनेट और सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग एनी अदर ज्यूरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया ही नहीं है कोई ज्यूरिसडिक्शन, अभी तो हाई कोर्ट के पास है. लोअर कोर्ट से डिसीजन आया है कि किसी को अक्यूज को फ्री कर दिया. अब जिसको फ्री कर रहा है उसकी सेकंड पार्टी भी तो होगी सामने, उसने क्या किया अपील डाल दी. अब हाई कोर्ट में अपील हुई है तो जिस पर्सन को फ्री करा था लोअर कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट ने क्या दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया. तो दो कोर्ट्स के डिसीजन एकदम अपोजिट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, अपील हो जाएगी. ओके वेदांत, सेकंड में क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है? मैम सेकंड कंडीशन है कि कोई पेंडिंग केस हो और उसको सडनली लाकर जो एक पार्टी है उसको डेथ सेंटेंस सुना देना.
बस सिंपल सीधे अपील हो जाएगी। और थर्ड में क्या है? और थर्ड में है कि हाई कोर्ट सिंपल सिंपली सर्टिफाई कर देगा, सर्टिफाई कर देगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे। चलिए तो ये हो गया आपका ये। अब हम अगेन 134A जिसकी हम बात कर रहे हैं, 134A में क्या होता है, खुद से सर्टिफिकेट इश्यू होता है। चलिए कौन रीड करेगा इसका ऑप्शन? चलिए रीड करिए। यस मैम, आर्टिकल 134A, सर्टिफिकेट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ए ऑन इट्स ओन मोशन, बी एन ओरल एप्लीकेशन बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ और एग्रीव्ड पार्टी, जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर। ठीक है, सिंपल अपने या तो खुद से वो दे सकता है, हाई कोर्ट को लगता है कि मैं खुद ही इशू कर देता हूँ सर्टिफिकेट कि सुप्रीम कोर्ट अब आप ही डिसाइड करो, या तो फिर सपोज दो पार्टीज है, कंगना और वंश के बीच में कुछ इश्यूज है तो कंगना ने दे दिया, ठीक है ओरल ही दे दिया कि भाई मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर मैटर जजमेंट डिक्री या फाइनल ऑर्डर पे क्या है, आप सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, तो वर्बली अपील हो जाती है। तो ऐसे केस में भी क्या कर सकता है हाईकोर्ट, ऐसा 134A में क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। चलिए एक बार और इसको अच्छे से रीड करिए, समझिए, अगर कोई कंफ्यूजन है देन आंसर। सिंपल, या तो वो खुद से कह देगा या फिर कोई अग्रीव्ड पार्टी। हाँ जी नील, कैन यू एक्सप्लेन दिस? You are not audible. Yes, go away. हेलो मैम, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अन्याय हो गया तो फिर काम खत्म बेटा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर लास्ट आप प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन लगा दो, बट कई बार वो भी कंसीडर होती नहीं है, काम खत्म है बच्चा, अगर सुप्रीम कोर्ट में अन्याय हो गया तो। टीचर कैन यू शो द आर्टिकल 130, आई विल टेक स्क्रीनशॉट। 130 क्या था ऐसा? अच्छा सीट, यस मैम, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट कई बार देखो एक बहुत ही फेमस जज थे, उनका एक ना बहुत ही उन्होंने अच्छा सा कोट दिया था कि दोनों पार्टीज को पता होता है सच क्या है, आज जो दो लोग केस लेकर के आए हैं उनको सबको पता है सच क्या है, लेकिन बेचारा जो जज बैठा है उसको ही नहीं पता होता कि सच क्या है, बाकी सबको पता होता है सच क्या है, वो जो जज बैठा है बेचारा जो डिसीजन देने बैठा है ना, सबसे बुरी हालत उसकी होती है कि उसी को नहीं पता कि सच क्या है, बाकी सबको पता होता है सच क्या है। ठीक है, तो होता है कई बार ऐसा, जरूरी नहीं है कि हमेशा न्याय मिलता ही है, कुछ नहीं कर सकते, सामने भगवान तो है नहीं, बेचारा इंसान ही बैठा है, गलतियां हो सकती है। चलो, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।